हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ सोलर पंप योजना के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाले हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सोलर पंप योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2, 3 और 5 HP के सोलर पंप दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत ही कम पैसों में सोलर पंप मिल जाते हैं, जिससे वो अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है योजना की, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वेबसाइट के होम पेज में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सौर सुजला योजना ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस नए पेज में यहाँ पे आपको योजना का नाम सिलेक्ट करना है, सौर सुजला। इसके बाद आपके सामने योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन वो ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म में आपको यहाँ पे सबसे पहले आवेदक किसान का नाम, यहाँ पे आपको किसान का जेंडर, यानी इस योजना के लिए महिला किसान और पुरुष किसान दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसान के पिता और पत्नी का नाम, यहाँ पे आप जिस जगह पे आप सोलर पंप लगा रहे हैं उस जगह का नाम, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस, विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, जिले का नाम, विकास खंड का नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपके पास क्या पहले से विद्युत कनेक्शन है तो आपको उसका डिमांड नोट क्रमांक यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यहाँ पे आपको खसरा नंबर और आपका कुल कितना रकबा है, यानी कितना बीघा जमीन है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। और यहाँ पे अगर आपके पास पहले से कोई जल स्रोत है, यानी कुआ, बोरवेल या कोई अन्य है, तो आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे किसान को अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपको अपनी जाति सिलेक्ट करनी है कि कौन सी जाति से आप। यहाँ पे आपको पंप कौन सा चाहिए, यानी 2 HP, 3 HP या 5 HP, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सोलर पंप का प्रकार और यहाँ पे आपको पंप का नाम चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो मांगी गई अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पे सही से भर देनी है, जैसे आपको बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है। यहाँ पे पूरी जानकारी को भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आप अपने भविष्य में अपने आवेदन फॉर्म की जो स्थिति है वो चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सौर सुजला योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भर देना है और आपको डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है वो फॉर्म के साथ अटैच करके अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाके जमा करा देना है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ में सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।